ये बढ़िया बंदा है, कम मिलता है लेकिन। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि भाई का बर्थडे है तो इन्हीं से केक मंगवाया गया है और लेकर आया है। गाइस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, भाई का बर्थडे है और भाई पहले जा रहा था जनक सिनेमा पॉलिस में, पता चला कि अभी वहाँ पे जो है आप कट नहीं कर सकते, उस केक को रख लिया जाएगा, सो इस वजह से हम यहाँ पे कटवा रहे हैं। और आपको देख लो कंट्रोल कंट्रोल पीछे इंफॉर्मेशन बिल्डिंग है और इसी के सामने शायद इनिशिएटिव या इनोवेशन ऐसा समथिंग बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं क्योंकि इनका मतलब कि कुछ फंक्शन वगैरह, आई डोंट नो व्हाट टू से। सफेद कपड़ा, ओ ओ। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर को और अब हम डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे। अगर सीधा जाएंगे तो कैंटीन आपको मिल जाएगी, तो अभी हम फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं। कि आप जानते हो ईशान को, इससे पहले भी मैंने वीडियो में ईशान को ले चुका हूँ, कैरेक्टर नोबिता वाला कैरेक्टर में ले चुका हूँ महान इंसान को। तो अभी ऊपर जा रहा है, जब तक मैं अपने बाल ठीक कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं और मैं आपको अपनी क्लास भी दिखाऊंगा। एमबीए फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं गाइस, आपको वो चीज जरूर पता होना चाहिए। मैं कुछ टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप एमबीए या आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जरूर वॉच करिए। तो अभी कुछ बच्चे यहाँ पे बैडमिंटन, भाई ऊपर जाना है, तो अभी कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ये अपना भाई पारस है, ये बढ़िया बंदा है, कम मिलता है लेकिन अच्छा है। कैसे हो यार आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो फ्रेंड अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं, हालांकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ फोर्थ फ्लोर पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लेकिन हम फोर्थ फ्लोर पर ही जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार क्या करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन वाले बंदों से फ्रेंडशिप कर लेता हूँ ताकि हमें कहीं भी इंटरटेन करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो भाई अपना यहाँ पे एक सागर है, उसको मैं जानता हूँ। तो आई डोंट नो क्लास हो रही है या नहीं, तो आप देख सकते हो क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आज ही के दिन हमने तुमको रब से पाया था, जन्नत से तो साथ में खुशियाँ कितनी लाया था। हो आसमानों को छू ले तू, ये दुआ हमारी है, अपनी उम्र भी हमने तो हंस कर तुम पे बारी है। मैं बता दूं गाइस कि मेरी फोन की बैटरी फुल हो गई थी तो ईशान के से बना रहा हूँ और आपको केक दिखाते हैं। पहले कुछ केक की बैटरी बच चुकी है, देख सकते हो आप, केक का स्टाइल थोड़ा अलग स्टाइल में था। तो भाई का बर्थडे, भाई खुद केक लेकर आ रहा है, ये पहली बार हुआ है। तो चलिए फिर चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल चप्पल छोड़ गया, हम फर्स्ट। तो फ्रेंड आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, भाई का बर्थडे, मैंने केक कटवा चुका हूँ, मतलब केक यही लाया था बट मैं कटवाया हूँ। तो अभी भाई अपना है, भाई बर्थडे के मामले में तुझे कुछ कहना है, बर्थडे को लेकर कुछ कहना है तुझे? भाई बर्थडे को लेकर मुझे कुछ कहना नहीं है वैसे, लेकिन हाँ मजा बहुत आया, कॉलेज बहुत अच्छा है, मौसम है, फिलहाल मेरे को एंट्री मिल गई, मैं आउटसाइडर हूँ, ये तो सीढ़ी बात है। भाई फैकल्टी अच्छी है यहाँ की, इसे एंट्री मिल गई है। मैंने गोपाल सर से बात नहीं करी लेकिन मुझे लगता है कि दिल का कनेक्शन है तो हमारी बात हो जाती है ना भाई? ये बोला था रेड लगा दो, उनसे लड़के का केक है, कमी नहीं है, सारे लगा दिए। अब ये हथौड़ा वापस करने जाएगा 100 रुपए लेने के लिए। अभी
मैं आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, जो मैंने एक हफ्ते का वीक का वो दिया था फोर्थ फ्लोर का, वही क्लास है, उसकी जस्ट अपोजिट वन ये क्लास है, और यहाँ पे कोई नहीं है। और भाई से मैंने अपना DSLR मंगवाया है, मतलब उसका DSLR, ताकि जो है हम फोटो क्लिक कर सकें। तो फिर ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, बर्थडे था बस इतना बताना था कि जिसका बर्थडे था वही केक लेकर आया और हमने अपने कॉलेज में बुलाया। चलिए फिर वीडियो को करते हैं एंड, और आपको कोई कमेंट्स करना हो तो आप कर सकते हो। थैंक यू। तो गाइस एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मुझे एक्चुअली कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता नहीं था कैन ऑफिस कहाँ पे है जहाँ से आपको चौक मिलती है, बट मैंने बोला मुझे पता है, तो मैं सिंगल बंदा हूँ जिसे पता है, एक्चुअली मैं नहीं पता था, तो मैं आया हूँ लेने चौक, और आप देख सकते हो मेरे हाथ में चौक है। और मैंने पूछा बंदों से तो मुझे पता चला कैन ऑफिस कहाँ है, सबसे नीचे है बेसमेंट में, वहाँ से लेकर आया हूँ।